तो हाँ भाई, ये है 2024 के सबसे एंट्री लेवल आईफोन, या फिर आप कह सकते हैं सबसे सस्ते 5G आईफोन्स। वैसे तो इससे नीचे भी काफी सारे आईफोन आते हैं, जैसे कि XR, 11, XS, जो कि अभी तक काफी बढ़िया चल रहे हैं, लेकिन उनमें आपको कुछ ना कुछ कमी देखने को मिलती है, जैसे कि 5G नहीं है या फिर डिस्प्ले वगैरह बढ़िया नहीं होती। तो अगर आप पहली बार एंड्रॉइड से आईफोन पे शिफ्ट करने वाले हो, आप सोच रहे हो कि 2-3 साल फोन बढ़िया चल जाए, तो भाई 12 सीरीज से नीचे तो बिल्कुल मत जाना। सबसे एंट्री लेवल यही है फिलहाल आज की डेट, जो कि भाई 2-3 साल या उससे भी ज्यादा चल सकता है बढ़िया, जिसमें से 4 फोन है, 12 मिनी, 12 और 12 प्रो मैक्स, और कुछ ही महीनों में यहाँ पे जो iOS 18 का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा इन सभी फोन्स में। तो आज मैं इन्हीं का ही मार्केट और रिफर्बिश प्राइस आपको बताऊंगा, क्या प्राइस चल रहा है फिलहाल और कौन सा डिवाइस किस यूजर के लिए बेस्ट है, वो भी आपको पता चल जाएगा इस वीडियो के एंड तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और इन चारों फोन में कुछ चीजें कॉमन है जो कि मैं आपको एक साथ ही बता देता हूँ। तो चारों में यहाँ पे एक OLED डिस्प्ले आती है, जिसकी शार्पनेस हो गई या कलर हो गया या फिर डीपर ब्लैक्स हो गए काफी ज्यादा एक्सीलेंट है। और सारे के सारे फोन जो है HDR सपोर्ट करते हैं सभी प्लेटफॉर्म पे, और यहाँ पे जो है सारे के सारे फोन 5G तो सपोर्ट करते ही है। और जो है पूरी 12 सीरीज में A14 बायोनिक चिप देखने को मिलती है, बस यहाँ पे जो डिफरेंस है वो रैम का है, जो कि मैं आपको बताऊंगा आगे। उसके अलावा चारों ही फोन का फ्रंट कैमरा बिल्कुल सेम है, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा वो भी बिल्कुल सेम है, लेकिन जो मेन कैमरा है उसमें यहाँ पे जो थोड़ा सा डिफरेंस है प्रो मैक्स वाले में, बाकी तीनों का बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आईफोन 12 मिनी से। ये जो फोन है काफी स्पेसिफिक लोगों को टारगेट करता है, जैसे कि वो लोग जो कि भाई 2 फोन यूज करते हैं और जिनको सेकेंडरी फोन चाहिए काफी कॉम्पैक्ट या छोटा सा, जिसको भाई संभालना काफी ज्यादा आसान हो, या फिर ऐसे लोग जिनका की डेली यूजेस नॉर्मल यूजर से भी कम है, मतलब यहाँ पे कॉल, व्हाट्सएप वगैरह। और ये जो फोन है इसके फीचर और स्पेसिफिकेशन तो भाई आप लोग जानते ही होंगे। तो यहाँ पे मैं इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बता देता हूँ, जो कि है इसके बैटरी लाइफ। जब ये फोन नया आया था उस टाइम भी इसकी बैटरी लाइफ इतनी अच्छी नहीं थी, बहुत ही एवरेज थी, 4 से 5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम बड़ी मुश्किल ही दे पाता था बिल्कुल नॉर्मल यूजर्स पे भी। और अभी अगर आप ये फोन खरीदते हो तो नया तो मिलेगा नहीं, तो आपको यूज ही मिलेगा, तो वहाँ पे जो बैटरी हेल्थ है वो 80 से 90 के बीच में मिलेगी ज्यादातर, तो बैटरी बैकअप यहाँ पे जो थोड़ा और कम मिलेगा, तो आप एवरेज मान सकते हैं 4 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम ये दे देता है। पर यहाँ पे इसमें एक बढ़िया चीज है, जो कि मैंने आपको बताया काफी छोटा और कॉम्पैक्ट साइज है, मतलब इस फोन को संभालना काफी ज्यादा आसान है, क्योंकि इसका जो कैमरा है काफी बढ़िया है, 4K 60fps की वीडियो रिकॉर्ड करता है बढ़िया। तो काफी लोग तो इसको GoPro की तरह भाई मोटो व्लॉगिंग में भी यूज करते हैं, क्योंकि भाई हेलमेट पे इसको माउंट करना काफी ज्यादा आसान होता है। और अगर इसकी प्राइस की बात करूं तो भाई फिलहाल हमारे इधर मार्केट में इसका प्राइस चल रहा है 24,000 के आसपास, और रिफर्बिश में भी आपको इतना ही प्राइस देखने को मिलेगा 64GB वाले का। पर मैं तो यही रिकमेंड करूंगा आप आईफोन 12 मिनी की जगह 4,000 रुपए और मिला के आईफोन 12 की तरफ जाएं, जो कि आज की डेट में सबसे ज्यादा पैसा वसूल आईफोन है। फिलहाल मैंने इसका गेमिंग रिव्यू भी करा था, तो भाई गेम काफी बढ़िया चलता है इसमें। और यहाँ पे जो कैमरा क्वालिटी, खासकर वीडियो क्वालिटी, बहुत ही बढ़िया है इसकी। और इसकी जो डिस्प्ले का साइज है वो है 6.1 इंच, जो कि मेरे हिसाब से परफेक्ट है, ना ज्यादा बड़ा है ना ज्यादा छोटा है। और उसके अलावा बैटरी लाइफ भी इसकी 5 से 6 घंटे का स्क्रीन टाइम मिल जाता है, जो कि नॉर्मल है 1 डे के हिसाब से। बस इस फोन को ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि आपको सेकंड हैंड मार्केट में भटकना पड़ेगा, या फिर अगर आप रिफर्बिश लेते हैं तो हो सकता है आपको इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाए, जैसे बैटरी बूस्टेड हो। तो अगर आप इसको बढ़िया प्राइस में ढूंढ लेते हैं 28,000 के आसपास, तो भाई बढ़िया डील है, आप खरीद सकते हैं, बढ़िया 2-3 साल चलेगा अभी ये। तो अब बात करते हैं आईफोन 12 प्रो की, और इस फोन को खरीदने के 2 रीजन है। सबसे पहले तो इसका कैमरा, इसमें मेन कैमरा और अल्ट्रा वाइड कैमरा तो बिल्कुल सेम है आईफोन 12 जैसा, लेकिन यहाँ पे थर्ड कैमरा देखने को मिलता है, जो कि है 2x टेलीफोटो लेंस। तो अगर आप पोर्ट्रेट वगैरह ज्यादा खींचते हैं या कंटेंट क्रिएटर है, तो भाई 2x वाला कैमरा बहुत ज्यादा काम आने वाला है आपके, क्योंकि 2x मतलब 50mm के आसपास फोकल लेंथ है, जो कि ना ज्यादा जूम है ना ज्यादा वाइड एंगल है, तो आप प्रोफेशनली इस फोकल लेंथ को यूज करके काफी अच्छा कॉन्टेंट बना सकते हैं। उसके अलावा सेकंड जो चीज है वो है इसका डिजाइन, जो काफी ज्यादा प्रीमियम है आईफोन 12 से, क्योंकि इसका जो बैक पैनल है वो मैट फिनिश में है। उसके अलावा स्टेनलेस स्टील का फ्रेम है, जो कि देखने में और इन हैंड यूज में काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है। उसके अलावा इसमें जो एक और डिफरेंस है, जो कि इसमें 6GB रैम आती है, आईफोन 12 में 4GB आती है, जो कि थोड़ा बहुत मल्टीटास्किंग में डिफरेंस आने वाला है। बाकी उसके अलावा बैटरी हो गई, परफॉर्मेंस हो गई, सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, सारी चीजें बिल्कुल सेम है आईफोन 12 जैसी। और इसका जो प्राइस चल रहा है फिलहाल वो चल रहा है 40,000 के आसपास, जो मेरे हिसाब से थोड़ा महंगा है, अगर 35 के आसपास होता तो ज्यादा बेस्ट होता। तो अगर आपको ये 35 से 40 के बीच में भी मिल रहा है तो मेरे हिसाब से सही है, क्योंकि अगर आपको प्रो सीरीज यूज करनी है तो सबसे ज्यादा एंट्री लेवल फिलहाल यही है, तो आप चाहे तो इसको खरीद सकते हैं। तो अब बात करते हैं आईफोन 12 प्रो मैक्स की, जिसका की साइज कुछ ज्यादा ही बड़ा है, आप एक हाथ से तो यूज बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसमें आती है एक 6.7 इंच की डिस्प्ले। और डिजाइन की बात करूं तो जैसा कि 12 प्रो में बताया, स्टेनलेस स्टील का फ्रेम है और बैक मैट ग्लास है, तो भाई सेम वही है इसमें, बस साइज बड़ा है। और जैसा कि ये प्रो वाली सीरीज है तो इसमें रैम भी 6GB है। उसके अलावा इसकी बैटरी भी काफी बड़ी है, गेमिंग में तो खैर बराबर से ही चलते हैं, लेकिन वैसे नॉर्मल यूजर्स में ये आपको 6 से 7 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम दे देता है, जो कि आप आराम से एक दिन यूज कर सकते हैं। उसके अलावा सबसे बड़ा जो डिफरेंस है इस फोन में वो है इसके कैमरे का। सबसे जो पहला डिफरेंस है वो है इसके मेन कैमरे में। इसके मेन कैमरे में जो है पहली बार सेंसर शिफ्ट टेक्नोलॉजी दी थी एप्पल ने, मतलब यहाँ पे जो स्टेबलाइजेशन है वो थोड़ा बेटर मिलेगा आपको 12, 12 मिनी और 12 प्रो से। उसके अलावा इसका जो जूम कैमरा है वो है 2.5x वाला, जो कि भाई काफी ज्यादा बढ़िया पोर्ट्रेट खींचता है, क्योंकि जितना ज्यादा जूम होगा उतनी ही फ्लैट इमेज आएगी, और फ्लैट इमेज का मतलब यहाँ पे जो एज डिटेक्शन है और जो है ब्लर वगैरह बिल्कुल
रियलिस्टिक लगेगा देखने में। फोटोग्राफी के मामले में भाई 2.5x वाला ज्यादा बेटर है, और वीडियो क्वालिटी में तो भाई कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। अभी भी ये फोन अच्छे अच्छे नए फोनों को जो कि 2024 में लॉन्च हो रहे हैं उनको बीट कर सकता है वीडियो क्वालिटी में। तो अगर आपको एक कॉम्बिनेशन वाला फोन चाहिए जिसमें भाई कैमरा भी तगड़ा हो, गेमिंग वगैरह भी हो जाए बढ़िया, डिस्प्ले भी बड़ी हो, तो भाई आप इस फोन की तरफ जा सकते हैं। और अगर बताऊं इसके प्राइस के बारे में तो भाई फिलहाल यहाँ पे जो 50,000 के आसपास है, क्योंकि इस फोन को लॉन्च हुए 4 साल के आसपास होने वाले हैं, तो भाई हर महीने जो है 1,000 रुपए या 1,500 रुपए इसका प्राइस जो है डाउन होता जा रहा है। अभी फिलहाल जो है 48 के आसपास मिल रहा था ये, 47-48, तो अगर 45 तक आ जाता है तो भाई बहुत ही बढ़िया डील है, क्योंकि 45 के आसपास जो आपको आईफोन 13 देखने को मिलता है तो भाई उससे तो काफी ज्यादा बेटर है। आपको प्रो आईफोन भी मिल रहा है, टेलीफोटो लेंस मिल रहा है। तो आई होप आपको ये वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर बढ़िया लगी तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।